वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और आज एकदम सुबह सुबह 7:30 बजे ही आपको कुछ दिखाना है, तो मैं आपको देखो ये सहजन का फूल है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में नहीं दिखा रही थी कि फूल आ गए, अब इसके फल आएंगे। तो बारिश हुई बहुत ज़्यादा कल रात को और आंधी आई तो पूरा पेड़ ही टूट गया। तो मम्मी पापा भी सुबह जाके पूरा फूल तोड़ के लाए क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी से पापा इसी की चाय सुखा के पियेंगे, अब देखते हैं पियेंगे कि नहीं पियेंगे, लेकिन ये फेंकने की इच्छा नहीं है मेरे को और मम्मी को, नहीं पीना ही है और पापा ही पियेंगे। और मैं पेड़ भी दिखाती हूँ, पूरा एक ही डंडा बचा है, पूरा पेड़ ही गिर गया। तो आज सुबह सुबह ही ये हो गया बारिश के वजह से और आंधी के वजह से। हमारे यहाँ चल रहा है मसाला डोसा, क्योंकि हमने उस दिन पेस्ट बना लिया था और हमारे पास बहुत पेस्ट बचा हुआ है और हमारा इडली खाने का बिल्कुल मन नहीं। तो अब हमारा बन रहा है मसाला डोसे का पेस्ट, विच इज आलू मटर धनिया पत्ती और मसाले। और मम्मी उधर बना रही है, देख सकते हैं ये बनाया हमारा सांभर। और ये सब जब बन जाएगा तो फिर हम बनाएंगे ताज़ा क्रिस्पी बेहतरीन मसाले डोसा। अब हम आपको डोसा बनाने की विधि सिखाते हैं। तवे को एकदम गर्म करके उस पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए और एक गीले कपड़े से या कॉटन से उसको ऐसे पोंछ दीजिए। और फिर आप पेस्ट पे ध्यान दीजिए, तो पेस्ट थोड़ा गीला हो, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं हो। फिर उसको ऐसे तवे पे डाल दीजिए पूरा और धीरे धीरे मतलब हल्का सा प्रेस करते हुए बिल्कुल गोल से, आपको जिस शेप का बनाना हो उस शेप का बना सकते। तो इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल गोल तरीके से इन्होंने फैला दिया है। और अभी थोड़ा सा जब वो नीचे से ब्राउनिश होने लग जाए तो ऊपर से इस पर घी लगा दीजिए, जो भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए वो गोल्डन गोल्डन नीचे से कलर आने लग गया है। तो अब इस पर आप जिस भी तरीके से आप चाहें, चम्मच से, लकड़ी से, या जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरीके से इस पर तेल या घी, हमने तो घी लगाया है, आप चाहें तो रिफाइंड, आप चाहें तो जैसा बनाना है बटर डालना चाहें तो बटर डाल सकते हैं। देखिए वैसे तो डोसा आप चाहें तो दूसरी तरफ से पलटने का ज़रूरत नहीं है, एक ही तरफ से आप चाहें तो उसको पका के खा सकते हैं, लेकिन हमें दोनों तरफ से थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों तरफ से क्रिस्पी रहता है, इसलिए हमने पलट दिया है। और हम इस तरफ भी थोड़ा बहुत घी लगा देंगे और फिर दोनों तरफ से थोड़ा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक हम इसको पकाएंगे और फिर हमारा मसाला डोसा का जो डोसा है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी तैयार है, ये इसमें हमारा सांभर, अभी हम खोल के दिखाएंगे जब सांभर निकालेंगे। और ये हमारी चने और मूंगफली की चटनी। और अभी डोसा बन चुका है तो अब हम उसमें ये पेस्ट जो आलू का मसाला है वो हम उस मसाले के बीच में भर देंगे, डोसे के बीच में भर देंगे और हमारा मसाला डोसा रेडी टू ईट हो जाएगा। फाइनली हमारा डोसा तैयार है और हम खाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो बना रही है मम्मी पापा, अभी पूजा वूजा कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे जिम्मे है, क्योंकि मैं ही सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के तैयार हो गया था। तो अब मेरे को ही डोसा मिला है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा डोसा, इसमें देखिए आप, मैं आपको आलू दिखाऊँ तो ये देखिए आलू, ये हमारी चटनी, ये हमारा सांभर। तो अब हम खाने का एंजॉय करते हैं। तो गाइज जैसा कि आपने सुबह देखा होगा हमारे व्लॉग के स्टार्ट में ही कि सुबह हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी, हमारे घर के सामने जो सहजन का पेड़ है वो क्योंकि कल आंधी बहुत तेज आई थी तो टूट गया था। तो मम्मी पापा सुबह सारे फूल सहजन के पेड़ के तोड़ के ले आए थे, आप देख सकते हैं ये रहे, ये सारे फूल थे जो फूल गए थे और ये जो हरे वाले ना ये कलियां हैं। तो इसमें एक्चुअली वो जो सहजन की ड्रम स्टिक्स बोलते हैं जिसको, वो लग जाती, लेकिन कल आंधी की वजह से पेड़ टूट गया तो सारे फूल टूट गए उसमें से। तो हम सब बटोर के ले आए हैं, हम लोग उस फूल का कब से इंतजार कर रहे थे, 5-6 महीने से कि फूल नहीं आ रहे और जब आया तो पेड़ ही टूट गया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि सहजन वैसे बहुत हेल्दी होता है तो उसके फूल की सब्जी भी बहुत हेल्दी होती है, तो आज हम उसके फूल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये वो फूल हैं
ये वाइट वाले फूल थोड़ा खुल चुके हैं, लेकिन ये छोटे वाले थोड़ा सा अभी फूले नहीं है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये भी हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ ये जो फुलाए हुए फूल हैं इनको पकाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली थोड़ा तेल चाहिए होता है, पर ये क्योंकि बहुत हेल्दी होता है सबके लिए, चाहे वो वेट लॉस करना हो, जैसे कि आपको पता होगा मैं 1 मंथ चैलेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी खाने पीने का। और इसके लिए कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें पहले तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लहसुन प्याज जीरा, और उसके बाद सिर्फ मतलब थोड़ी लाल मिर्च और वो सब डाल के उसके बाद सिर्फ सीधे ये फूल डालना है। हाँ, इसको थोड़ा पकने में मेरे ख्याल से समय लगता है। तो फाइनली हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। इसमें बेसिकली हमने कुछ नहीं, प्याज का छौंका लगाया था, जैसे कि आपने देखा होगा प्याज और सूखी मिर्च का छौंका था लहसुन के साथ, और फिर जब वो हो चुका था उसके बाद ये सब्जी हमने उसमें, ये फूल सॉरी, हमने उसमें डाल दिए, और नमक हल्दी लाल मिर्च और थोड़ा सा वो सब डाल के इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो अब ये थोड़ा धीमी आंच में पकता रहेगा। तो हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया, अभी जस्ट हम लोग खाना वाना बना के आए थे, तो झगड़ा भी बहुत बेसिक सी बात का हुआ है कि एक्चुअली अभी जानते हैं आपकी थोड़ी ठंड और गर्मी का वो हो गया है, तो पता नहीं इसको गर्मी बहुत लगती है, तो अभी मम्मी और हम सब ने बोला कि अभी पंखा मत चलाओ, तो उसी के बाद हम रूम में आए थे खाना खाने से पहले ऐसे थोड़ा सा आराम करने। तो तब तक मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गहमा गहमी वाले माहौल में आ गई, और मैं कोशिश करता हूँ मनाने का, देखता हूँ बाहर थोड़ा घुमाने घुमाने ले जाऊँगा, बाकी एक बार मैं आपको इससे भी मिलवाता हूँ। ओए अरे सुन ना रे। क्या सुनो? अरे चल छोड़ छोड़ फोन छोड़, तेरे लिए ही होता है, तेरा फोन नहीं है, चल वो मेरा फोन है। हाँ तो तूने भी मेरा लिया है ना। हाँ चल दे 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 दे, चल चल खाना खाते हैं। नहीं मेरे को नहीं खाना खा, तुम लोग। अच्छा पापा खाने के लिए बुला रहे हैं, चल मेरे चल। को नहीं लगाना, तुम लोग करो ना जो करने का है। अरे चल 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 चल, दिमाग मत खराब कर। अरे आओ चल चल, मैं फेंक फाक दूंगी, दिमाग मत खराब। क्या फेंक देगी? जो भी मिला हुआ। क्या फेंक देगी? सही क्या फेंक देगी? दिमाग मत, ये फालतू चीज मत शूट कर। चल यार बंद कर दे फोन, तेरा तो अलग ही नाटक है। अच्छा कर दिया कर दिया कर दिया। हे गाइस, तो थोड़ा सा हमारे बीच में माहौल ख़राब हो गया था, एक्चुअली मैंने आपसे बताया था जैसे कि थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज अभी अभी हमने रियलाइज़ किया, झगड़े के बाद में बैठा था तो ऐसे फ़ोन चला था, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारा 500 सब्सक्राइबर रीच होने वाला है। तो हमने छोटा सा एक काइंड ऑफ अपना वो चीज़ मैंने इसको बताया, और फिर कुछ आगे का प्लान बताया, तो बड़ी मुश्किल से ये आप देख सकते हैं मुंह तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन मान चुकी है, वो छोटा सा इंसिडेंट हो गया था तो उसके बाद सब हमने सॉर्ट आउट कर लिया। और क्योंकि आज हमारी YouTube जर्नी का एक बहुत स्पेशल इवेंट है कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि उसी के लिए हम थोड़ा बहुत जो अभी अपना सेलिब्रेशन प्लान करेंगे वो सब करेंगे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अब आगे के व्लॉग में मोस्ट प्रॉब्ली आप यही देखेंगे कि हम अपना 500 सब्सक्राइबर्स कैसे रीच करते हैं, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो पापा का चैनल है सनातन संस्कृति शुक्ला जी, आज उस पर हम 100 सब्सक्राइबर्स रीच कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे लिए दो दो सेलिब्रेशन का मोमेंट था। हाँ, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि वो आज अचीव होगा, पर अच्छी बात ये है कि जो हमारे बीच थोड़ी सी तू तो मैं हुई, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत अच्छा रीज़न मिल गया, तो काइंड ऑफ हमारा सबका माइंड डाइवर्ट हुआ, और अब हम अपने 500 सब्सक्रिप्शन और 100 सब्सक्रिप्शन का सेलिब्रेशन करेंगे। सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में ये मान चुकी हैं।
मतलब पहले तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि बेसिकली एक छोटे से पंखे पे गुस्सा, पर चलिए थोड़ी बहुत बातें होती रहती है। और ये एक्चुअली हमारी फर्स्ट लड़ाई थी, तो मैं लड़ती नहीं काइंड ऑफ, वो पहले वो आपने देखा होगा काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स एक्सपीरियंस था, पर ठीक है क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हुआ आज हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, पापा के चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हुए, तो वो आपने एक छोटा सा वीडियो देखा ही होगा हमारा जो हम शॉर्ट पे भी डाला है हमने, और इससे पहले आपने देखा होगा जब हम वो टाइमर अपना टिकर देख रहे थे कैसे वो 500 हुआ था। और उस पहले हमने सोचा था कि हम शाम को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, पर वो हमने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया कि कल मनाएंगे, लेकिन आज के लिए हम डिश बना रहे हैं, एक और डिश। आपने जैसे कल हमारी एक डिश देखी होगी वैसे ही आज एक और डिश हम बना रहे हैं, तो मैं आपको वो डिश दिखाता हूँ, आज मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी डिश धुली जा रही है, हमारी आज यही डिश है, दिस इज चूरा, और हम खाएंगे चूरा और दही और साथ में थोड़ी बहुत नमकीन वमकीन। तो ये हमारी आज की डिश है चूरा और दही, और पापा जैसे मैंने आपको पहले बताया था पापा को अन्न की ज़रूरत होती है, तो पापा के लिए रोटी बन रही है। सब्जी है मम्मी? रोटी है, सब्जी है, सांभर है हमारे। अच्छा हाँ, हमारे पास सांभर तो बचा ही है, सब्जी भी बची हुई है, प्लस मम्मी ने आज एक मूंग की ये सब्जी बनाई है। मूंग हमारे घर में हमेशा उबला रखा होता है क्योंकि हम रोज सुबह वही नाश्ता करते हैं, तो ये मूंग की सब्जी बना दी है मम्मी ने, और कटहल की सब्जी तो आपने दिन में देखी थी वो भी बची हुई है, सांभर भी बचा। तो एक्चुअली मेरे पास खाना बहुत है लेकिन क्योंकि हमारा रोटी और सब्जी भी खाने का मन कर नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं और ये तो चूरा दही खाएंगे, हमारा 500 सेलिब्रेशन चूरा दही से बनाएंगे, और पापा अपना रोटी सब्जी और चूरा दही भी खाएंगे पापा। और मम्मी ने तो पहले खाना खा लिया अराउंड 7:30 बजे, उनको डॉक्टर ने बोला है 7:30 बजे खाना खाने को, तो सही है। अब हम अपना डिश एंजॉय करते हैं और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं।